हेलो गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ रियो हर्ब्स के प्रोडक्ट्स, जो कि ब्रांड ने मुझे सेंड किए थे और ट्राई करने के बाद ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने के लिए कहा था। आज के वीडियो कंट्रोल। सो रियो हर्ब्स ने मुझे सेंड किए थे ये दो प्रोडक्ट्स। ये है रियो हर्ब्स बायो सेल्युलर्स 3 लेयर शीट मास्क फॉर अल्ट्रा हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट कोकोनट एंड रोज। इट सेज इट हैज 3 लेयर्स। मैंने कभी 3 लेयर्स का शीट मास्क यूज़ नहीं किया है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन, क्योंकि आजकल मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से अगर ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर लगाओ तो लगता है कि ग्रीसी हो गया, और लाइट मॉइस्चराइजर लगाओ तो लगता है कि पूरी हाइड्रेशन नहीं मिल रही है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस शीट मास्क। और सेकेंड है रियो हर्ब्स का मेकअप फिक्सर मैट फिनिश। आई लव दिस प्रोडक्ट्स। मैंने इसे पहले ही यूज़ कर लिया है, 2 बार मैंने इसे यूज़ किया है। इट वॉज लाइक बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। ये मेकअप को बहुत इंटैक्ट रखता है। मैं अभी आप अरे कहना क्या चाहते हो। सो पहले मैं आपको रियो हर्ब्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रियो हर्ब्स इज अ इंडियन ब्रांड जो कि क्रुएल्टी फ्री और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है। इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इनकी ब्रांड एम्बेसडर है सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स। इनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। मैं बहुत जल्द इनका सनस्क्रीन और वाटर क्रीम भी ट्राई करना चाहती हूँ। सो रियो हर्ब्स हैव अ वेरी यूनिक विजन कि वो आपको एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट अफोर्डेबल प्राइस पर, जो कि मुझे इस मेकअप फिक्सर को यूज़ करके काफ़ी हद तक सही लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको इसकी MRP है 999, बट ऑलवेज इनकी वेबसाइट पर कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहा होता है। यू कैन चेक देयर वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको एक वहाँ पर कूपन कोड भी मिलेगा, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको शीट मास्क अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है, क्योंकि सबसे पहले हेयर टक कर लेते हैं। सो दिस इज द शीट मास्क। इसे मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी। ओप्स, इट फील्स वेरी थिक फॉर शीट मास्क, ऑब्वियसली क्योंकि ये 3 लेयर का शीट मास्क है। ओके, इट स्मेल्स लाइक रोजेस। ओह माय गॉड, आई एम गोना अप्लाई दिस शीट मास्क। एक्चुअली गाइस, मैंने ठीक से नहीं अप्लाई किया है, वही मैं सोच रही हूँ कि ये इस तरीके से स्टिक क्यों नहीं हो रहा है। वी हैव टू रिमूव दिस प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ दिस शीट मास्क। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। एक्चुअली शीट मास्क इन दोनों लेयर्स के बीच में है। आई एम सॉरी, माय बैड, मैंने इंस्ट्रक्शंस ठीक से रीड नहीं किए थे। एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस वन। नाउ दिस इज टेकिंग बेटर। ओके, माय बैड। सो आई एम गोना वेट फॉर 15 मिनट्स एंड बी बैक। तो गाइस, 15 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। स्किन लुक्स क्वाइट हाइड्रेटेड। लेट मी मसाज दिस सीरम इनटू माय स्किन। स्किन लुक्स प्लम्प एंड वेरी सॉफ्ट। सो नाउ अब सीरम मेरी स्किन में बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं अपना डेली नो फाउंडेशन ओनली कंसीलर मेकअप रूटीन करूँगी, और उसके बाद मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी। देन आई एम गोना टेल यू कि कैसा इफेक्ट आता है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी फाउंडेशन टुडे, सिर्फ अपने डार्क
स्पॉट्स को कंसील करूंगी, क्योंकि ह्यूमिड है ना गर्मी में, बहुत हैवी फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आई यूज ओनली कंसीलर समझ रहे हो ऑन डेली समझ रहे हो बेसिस। ना। मैं इसे ब्लेंड करूंगी। अच्छा, मेरे एक्ने मार्क्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा लेयरिंग से ज़्यादा केकीनेस होती है। आई लाइक टू ब्रीथ माई स्किन, और बहुत ज़्यादा लेयरिंग मैं नहीं करती हूँ ऑन डेली बेसिस। I'm setting my face with some powder. I'm setting my base like on my T zone, not setting like this area, क्योंकि ये already यहाँ पर skin बहुत hydrated और healthy feel हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर powder नहीं apply करूँगी। अपने चीक बोन्स को पाउडर से सेट नहीं किया है, सो आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाई सम क्रीम ब्लश हेयर। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, अभी देखना, ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। लिटल बिट ऑन द टेम्पल्स। सो अब मैं जल्दी से अपनी ब्राउ और आईज को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आई एम डन विद माई आई मेकअप एंड सम लिपस्टिक। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा आई पर यहाँ पर कॉन्टूर किया है और विंग लाइनर किया है। नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आई एम यूजिंग रियो हर्ब्स मेकअप फिक्सर मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे, और मैं इसे 7 to 8 inches अपने फेस से दूर रखकर स्प्रे करूंगी। इट हैज़ वेरी फाइन मिस्ट, बहुत ज़्यादा कोई चंकी स्पार्कल्स नहीं है, जो कि एकदम स्किन पर आ जाते हैं। कभी कभी किसी किसी सेटिंग स्प्रे में फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका स्प्रे बहुत बेकार होता है, कि लाइक आपके स्किन पर बहुत थिक ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्किन पर पैच बन जाता है मेकअप के ऊपर। इट डजंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। स्प्रे हैज़ सम वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स लाइक हेलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, कैमोमाइल। इट इज़ वर्थ बाइंग। अभी भी आप देखो, इंस्टेंटली इसने मेरे सारे पाउडरीनेस को मेल्ट कर दिया है, और मेरी स्किन पर एक हेल्दी ग्लो है, जबकि ये एक मैट सेटिंग स्प्रे है। ये ऑयल फ्री है, इसलिए आपकी स्किन ऑयली फील नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड और नायसिनामाइड है, इसलिए आपकी स्किन पर एक हेल्दी ग्लो आएगा। आपकी मेकअप को ये मेल्ट करने के साथ साथ उसे लॉक कर देगा उसी प्लेस पर, ताकि आप ह्यूमिड में भी अच्छे से अपना मेकअप कैरी कर सकें। सो मजा आया। आई टोटली रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू एनी स्किन टाइप, बिकॉज ये मैट मेकअप फिक्सर है, बट स्टिल बहुत ग्लोई लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस शीट मास्क इज़ वेरी नाइस ऑल्सो। आई लव द फीलिंग ऑफ द शीट मास्क, विच हैज़ अ वेरी टाइटनिंग इफेक्ट ऑन माई स्किन। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।